लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने फिर साफ कर दिया कि लद्दाख के इलाके में चीन ने एक इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सामान एलएसी पर तैनात किया जाएगा। वो जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। विद एनी डिजाइन टू हैव अ फुट होल्ड हियर एंड आई थिंक ऑल दिस क्रेडिट गोज टू our great leader Shri Narendra Modi. So do you think these new technologies that will be incorporated along line of actual control? That is the aim. It is being done for that. Let me tell you, when I got my commission 1961, when I joined my battalion, in my battalion that time there was nothing indigenous. Our rifles were 303 made in Buckingham small arms. Our vehicles were Dodge, Ford and all that. Even the watch which I got, that was made in Switzerland. There was nothing which was in it. And today, there is nothing which is foreign. Sir, recently Congress leader Rahul Gandhi, visited Ladakh and he claimed that a large portion of land of Ladakh has been occupied by China. I wouldn't comment on anybody's statement, but I will say what is fact. Because I have seen myself, there is not even one square inch of land which Chinese have occupied. And all our troops, whatsoever might have happened in 1962, that's immaterial after that. But today, we are in occupation of our land to the last inch. Sir, what do you have to say to these leaders who are portraying a very gloomy picture? They are not buying the argument for what has been given by the armed forces and acting as spokesperson for China. I wouldn't say anything about that, but I will make a statement of fact. The statement of fact is, that our armed forces, they are prepared for any eventuality. And God forbid, if the balloon goes up, people will get bloody nose from us. युवा राजपूत सभा के सदर विक्रम सिंह चेब ने कहा कि इंतजामिया की तरफ से उन्हें यकीन दिलाया गया कि उनके मुतालबात को जल्द पूरा किया जाएगा। फिर कहा गया कि G20 कॉन्फ्रेंस की वजह से उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा, लेकिन उन्हें अभी तक दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडरों ने उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है, इसलिए सभा ने 16 सितम्बर के बाद तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। विक्रम सिंह चेब ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने शाम तक उनसे माफी नहीं मांगी तो कल से उनके घर का घेराव किया जाएगा। विक्रम सिंह चिब, प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा, आपने 15-16 के बाद वापस रिवाइव करने की बात की है टोल प्लाजा पे अपनी एजिटेशन को। बिल्कुल, पहले बंद क्यों की थी और वापस रिवाइव करने के पीछे क्या मकसद है? देखो, जेडे जम्मू दी समझो बड़ी चेयर, उन्हें अहीं आश्वासन दिता हा, तुहें असेंगी आश्वासन दिता गया हा कि G20 जेडी चला दी है, G20 तक वेट किया जा, असि उहदा वेट किया है, लेकिन अज अहीं इन्ना वेट होई है कि साड़ा अज साढ़े पर लांछन लगना स्टार्ट हो गए हैं। अस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करके, अज प्रशासन ही भी आ गए कि इस चीज़ पर जल्दी को जल्दी फैसला लै, नहीं तो जल्दी ऐसा ना हो कि 16-17 तरीक के बाद अहीं फिर सड़कें पर उतरना पवे। कल का क्या प्लान है आपका, क्योंकि आपने कहा पुतला फूकेंगे और बाबे वाली माता जाएंगे मंदिर? मैं पहले आखिर कविंदर गुप्ता होरें कि अज दे अज माफ़ी मंगी लैन, नहीं तो कल कविंदर गुप्ता का पुतला भी फुकाना है। और असें कल एक रैली के टाइप अहें कठुआ जाने का प्लान बनाए दा, उस अहें रैली टाइप तो कठुआ जाना लोगों जागरूक करने वास्ते। अगर नहीं अगर माफ़ी मंगते तो पहले कल घेराव इनके घर का होगा, उसके बाद बाकी देखिए। कोर्ट में भी आपने कहा ले जाने की बात की है? बिल्कुल, अगर माफ़ी नहीं मंगी गई तो अस लीगल तरीके के भी नहीं हर जगह किसी डिगे। तो अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती है कविंदर गुप्ता जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम उनकी तरफ से, तो कल से उनके घर का घेराव होगा, ये कहना है युवा रायपुर सभा का। और अपनी एजिटेशन टोल प्लाजा के लिए 15-16 तारीख के बाद उसकी शुरुआत होगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18।